हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं आज आपको ईस्ट सिंड्रोम्स की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगी जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ईस्ट सिंड्रोम अनदर नेम इज सीसेम सिंड्रोम्स भी कहते हैं इसको। ईस्ट सिंड्रोम मीन्स इज एन ऑटोसोमल रिसीवर डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय द ट्रीटेड ऑफ द एपिलेप्सी अटैक्सिया सेंसोरीन्यूरल डेफिनेस ऑफ द हेयरिंग्स हेयर इन साल्ट वास्टिंग रीनल ट्यूबुलोपैथी साल्ट लॉस कॉज्ड बाय द किडनी डिजीज। ईस्ट सिंड्रोम कंडीशंस में थ्री ऑर्गन्स अपीयर होते हैं, एक सीएनएस नर्वस सिस्टम, हेयरिंग्स एंड किडनीज। इसको ईस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। सेंसोरीन्यूरल एंड डेफिनेस एंड साल्ट ऑफ लॉस पोटेशियम लेवल डिक्रीमेंट, इस कंडीशंस को सीसेम एंड सिंड्रोम बोलते हैं। कॉजेज ऑफ ईस्ट सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर, अदर सिस्टमेटिक डिसीजेस लाइक सीएनएस नर्वस सिस्टम, ईयर डिसीजेस एंड किडनी डिसीजेस आर इफेक्टेड। इनके कारण ये ईस्ट सिंड्रोम अपीयर होते हैं, इन डिसीजेस के कारण। साइनिंग सिम्टम ऑफ ईस्ट सिंड्रोम म्यूटेशन ऑफ द पीएच सेंसिटिविटी एपिलेप्सी अटैक्सिया। एपिलेप्सी में होता है दौरे पड़ना, अटैक्सिया लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशंस इन द आर्म्स हैंड एंड लेग्स, बहुत वीक हो जाती हैं हैंड्स पर में मसल्स ऐसा झूलने जैसे लगती हैं, स्रिंग टाइप का। डिफिकल्टीज वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम्स होना, डिफिकल्टी इन स्पीच, बात करने में प्रॉब्लम होता है, ग्लोसोस ऑफ स्पीच एंड डिफिकल्टीज स्लोविंग, खाने पीने में निगलने में दिक्कत होना। सेंसो रिन्यूअल एंड डेफिनेस, मतलब सेंसो मतलब जो सूंघने और देखने और समझने और सुनने की कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को सेंसो रिन्यूअल बोलते हैं। डेफिनेस मतलब कम सुनाई देना। हियरिंग्स प्रॉब्लम, कान में दर्द होना, इन्फ्लामेशन, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना। सॉल्ट वास्टिंग लाइक द किडनी ट्यूबुलोपैथी, किडनी डिसऑर्डर अपीयर हो जाना, नेफ्रोपैथिक लाइक या FGS की कंपेन भी अपीयर हो जाना। ईस्ट सिंड्रोम की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दें कि ये कॉमन मेडिसिन है, सिम्टोलॉजी मेडिसिन है, सिम्टम के बिहाफ पे मेडिसिन है ये जो मैं इस वीडियोज़ में डिस्क्लोज करूँगी। मैं अपने सभी वीडियोज़ में ये क्लियर कर देती हूँ कि ये सिम्टोलॉजी मेडिसिन है। आपको अगर इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, साथ में अदर सिस्टमेटिक डिसीज है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। होम्योपैथी में इम्बलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सकते हैं। मेडिसिन नेम है एलोमिना 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन स्टार्टिंग में हम 1-2 वीक यूज़ करिए। अगर आपको कुछ रिलीविंग होता है, टेम्प्ररी रिलीफ फील हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यू 24 या 12 वीक यूज़ कर सकते हैं। बट आपको 1-2 वीक्स में भी किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है अपने सिम्टम्स में, तो आपको अपने नियर बाई होम्योपैथिक MD डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सके। ये कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको डिस्क्लोज किए। डाइट इंस्ट्रक्शंस में आपको पिकल्स अवॉइड करने हैं, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना है, लाइक विटामिन सी रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना है। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ईस्ट सिंड्रोम से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी तरह की क्वेश्चंस की क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।